पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश गोलीबारी करने के बाद से फरार था। पुलिस ने इससे एक तमंचा भी बरामद किया है। पंजाबी ढाबे पर हुई फायरिंग के मामले में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त चंचल सिंह उर्फ सोनू गंजा को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना के वक्त प्रयुक्त किया गया 315 बोर का तमंचा व स्कॉर्पियो कार को बरामद किया है। पीड़ित सतेंद्र सिंह ने सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भयमुक्त और अपराध मुक्त बनाना है, तो इस घटना को हमने उतनी ही गंभीरता से लिया और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करके हमने इसमें जो भी गैंग इन्वॉल्व था उस पूरे गैंग को हमने आइडेंटिफाई किया है और उसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसको हमने पिछली 6 तारीख को हमने गिरफ्तार किया था, 6 अक्टूबर को, और उसके बाद एक दूसरी सफलता हमें मिली है जिसमें एक अभियुक्त को हमने और गिरफ्तार किया है जिसका नाम सोनू गंजा है। और इससे हमने जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, जो तमंचा जिससे फायर किए गए थे, वो भी हमने बरामद किया है और साथ में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी उसको भी हमने बरामद किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।